कविता नाम की लड़की की शादी विनीत नाम के लड़के से हाल ही में हुई थी। कविता देखने में बहुत सुंदर थी, बस इसीलिए कविता को विनीत और विनीत की माँ रेनू ने पसंद कर लिया। कविता की मुंह दिखाई थी और मुंह दिखाई में कविता ने अपना पल्ला सर के ऊपर रखा हुआ था। ये देखकर रेनू अपनी बहू से कहती है, बहू अपना सर मत ढकना बल्कि घूंघट कर लेना, अभी मेहमान नहीं आए हैं इसलिए कैसे भी चलेगा, लेकिन जब सब गेस्ट आ जाएंगे तो ध्यान से घूंघट कर लेना। माँ जी आपका कहना सर आँखों पर, अब जैसा कहेंगी अब वैसा ही होगा। इस तरह कविता अपना लंबा सा घूंघट काट लेती है और कुछ समय बाद सभी मेहमान आने शुरू होते हैं। कुछ मेहमान अपने हाथों में गिफ्ट्स लाते हैं तो कुछ फ्रूट्स लाते हैं। इन फ्रूट्स में गन्ने भी रखे हुए थे। गन्नों पर कविता की नजर जाती है तो गन्नों को देखकर कविता खुद से कहती है, गन्ने वाओ, बिन मौसम गन्ने दिख गए, अब इन गन्नों को तो मैं ही चूसूंगी, लेकिन ये गन्ने लेकर कौन आया है, और उससे भी बड़ी बात कि कहीं ये गन्ने किसी और के हाथ लग गए तो। नहीं नहीं मुझे इन गन्नों को छुपाना होगा, लेकिन मैं इन गन्नों को छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहां उसकी सास आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू सारे मेहमान आ गए हैं, अब तेरी मुंह दिखाई शुरू होने वाली है, और हाँ जब तक कोई तुझे मुंह दिखाई ना दे तब तक तू अपना चेहरा किसी को मत दिखाना। माँ जी ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। हाँ बहू। माँ जी ये बिना मौसम गन्ने लेकर कौन आया है। बहू हमें क्या, कोई भी लेकर आया हो, वैसे भी हमारे घर में कोई भी गन्ना नहीं खाता, और इस गन्ने को लेकर आ भी गया तो क्या हुआ, बच्चों में बांट दूंगी। नहीं मम्मी जी ये गन्ने बांटने का क्या फायदा, अरे जो भी लेकर आया हो आखिर लाया तो हमारे लिए है ना, तो मैं ही इसे खा लूंगी। लेकिन बहू बहुत सारे गन्ने हैं। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही थी कि तभी रेनू की एक पड़ोसन आती है और रेनू से कहती है, रेनू बहन तेरी ही बहू है, अपनी बहू से जी भर के बात करियो, लेकिन आज इसकी जो रस्म है उसे तो पूरी करने दो। अरे हाँ हाँ बहन बिल्कुल आइए, हम मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। कविता की मुंह दिखाई शुरू हो जाती है और सब कविता का चेहरा देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। साथ ही कविता को काफी सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन कविता को अपने गिफ्ट से नहीं बल्कि गन्ने से मतलब था। कुछ देर बाद कविता की मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है, जिसके बाद कविता संग रेनू भी अपने कमरे में आराम के लिए जाती है। कविता अपने कमरे में बैठकर आराम तो कर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने गन्नों पर था। गन्नों के बारे में सोच सोच कर अब कविता से रहा नहीं जाता और उसके दिमाग में अपनी सास की बातें घर कर गई थी। ये सोचकर अब कविता उठती है और जहाँ सभी गिफ्ट्स रखे थे वहाँ जाकर सभी गन्नों को उठाकर स्टोर रूम में ले जाती है और वहीं बैठकर उन गन्नों को चूसने लगती है। गन्ने चूसते हुए वो खुद से कहती है, अब मजा आ रहा है इन गन्नों को चूसने में, अब ये गन्ने सिर्फ मेरे हैं मेरे, अब मम्मी जी इन गन्नों को कहीं बांट नहीं पाएंगी क्योंकि ये गन्ने तो मिलेंगे नहीं उन्हें अब। इस तरह अब कविता जी भर कर गन्ने खाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और कविता अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। कविता अपने घर का काम जल्दी से करके स्टोर रूम जाने लगती और स्टोर रूम में रखे गन्ने चूसने लगती। समय गुजरता है और ऐसे ही एक दिन बहू बहू रेनू की बार बार आवाज लगाने पर भी जब कविता कोई जवाब नहीं देती तो कुछ देर बाद कविता स्टोर रूम से जब बाहर आती है तब उसकी सास उससे कहती है, बहू तू स्टोर रूम में क्या कर रही थी, तुझे पता भी है मैं तुझे कितनी आवाजें लगा रही थी। सॉरी मम्मी जी मैं सुन नहीं पाई। तू क्या कर रही थी स्टोर रूम में। वो स्टोर रूम बहुत ज्यादा गंदा हो गया था ना, इसलिए मैं वही साफ कर रही थी मम्मी जी। रेनू को कविता की बात थोड़ी अटपटी लगती है पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है और एक दिन रेनू स्टोर रूम की तरफ जा रही थी तभी उसको मीठी मीठी खुशबू आने लगती है। उस मीठी सी खुशबू को सूंघकर रेनू स्टोर रूम खोलती है जहाँ वो देखती है कि स्टोर रूम में सफाई नहीं है बल्कि हर जगह गन्ने पड़े हैं। ये देखकर रेनू को एक झटका लगता है और ये सब देखकर वो खुद से कहती है, बहू तो यहाँ साफ सफाई करती थी तो फिर यहाँ गंदगी कैसे हो सकती है, और तो और यहाँ पर गंदगी धूल मिट्टी की नहीं बल्कि गन्ने की है। जो भी है उसका पता तो लगाना ही होगा। अब क्या था, रेनू को किसी के आने की आहट सुनाई देती है जिसके बाद रेनू वहीं छुप जाती है। कुछ देर में स्टोर रूम में कविता आती है और बैठकर गन्ने चूसने लगती है। रेनू अपनी बहू को गन्ने चूसते हुए देखकर हैरान हो जाती है और उसके बाद ओ गॉड
लगता है मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, तभी मुझे इतना दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूँ इन छालों का। इतना बोलकर कविता अपने गन्ने वहीं छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद जब रेनू और कविता दोपहर का खाना खा रहे थे, तभी कविता से खाना नहीं खाया जाता और वो अपनी सास को कहती है, मम्मी जी लगता है मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, क्या आप मेरे लिए केमिस्ट से दवाई ला देंगी। क्यों बहू, तूने ऐसा भी क्या खा लिया जो तेरे मुंह में छाले हो गए। अब इनको क्या बताऊं कि छाले क्यों हुए हैं। अगर मैंने इनको बता दिया कि मैंने गन्ने खा खा कर अपने मुंह में छाले कर लिए हैं, तो ये मुझे सुनाने ही लग जाएंगी। क्या हुआ बहू। वो नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, पता नहीं कैसे हो गए छाले। अब छाले किसी को बताकर थोड़ी होते हैं। लेकिन बहू मुझे पता है कि छाले क्यों होते हैं, इसका वैलिड रीजन है मेरे पास, बताऊं? हाँ हाँ बताओ मम्मी जी। छाले गन्ने खाने से होते हैं, जो कि तू बहुत खाती है। क्यों, सच बोल रही हूँ ना मैं। हे भगवान, मम्मी जी को कैसे पता चला कि मैं गन्ने खाती हूँ, मैंने तो गन्ने को छुपा कर रखा हुआ था। क्या हुआ बहू, यही सोच रही है ना कि ये बात मुझे कैसे पता चली। अरे मुझे तो तभी शक हो गया था जब तू बार बार स्टोर रूम में जाती थी। बहू कुछ भी चीज हद से ज्यादा नुकसानदेह होती है। पर मम्मी जी गन्ने के रस में तो बेनिफिट होता है ना, तो वो नुकसानदेह कैसे हुआ। हे भगवान, जानती हूँ बेनिफिट होता है गन्ने के रस से, लेकिन जो नुकसान तेरे मुंह का हुआ है उसका क्या। देख, ज्यादा गन्ने खाने की वजह से तेरे मुंह में इतने छाले हो गए हैं कि तू अब भरपेट खाना भी नहीं खा पा रही। ये नुकसान होते हैं ज्यादा गन्ने खाने के। पर मम्मी जी मुझे गन्ने का रस चूसना बहुत पसंद है, अब मैं क्या करूँ जब मुझे गन्ने इतने पसंद है। तो बाहर से क्यों नहीं पियाती गन्ने का रस। मम्मी जी मुझे बस दिन में 5 से 6 बार गन्ने का रस चाहिए ही चाहिए, गन्ने के रस के लिए बार बार बाहर नहीं जाना। और लोग क्या कहेंगे, ये रेनू की बहू गन्ने के रस के लिए बार बार घर से बाहर निकलती है। तेरी बात में दम है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करूँगी। चल अभी फिलहाल मैं तेरे लिए दवाई ले आऊँ। रेनू अब अपनी बहू को दवा ला कर दे देती है। कुछ दिन कविता गन्ने नहीं खाती। ये देख कर रेनू को लगता है कि कविता की गन्ने चूसने की आदत चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि कविता ने गन्ने चूसना तब तक बंद नहीं किया था जब तक उसके छाले ठीक नहीं हो जाते। और अगले एक हफ्ते बाद जैसे ही कविता के छाले चले जाते हैं, वैसे ही एक बार फिर उसकी गन्ने चूसने की आदत शुरू हो जाती है। ये देखकर एक बार फिर रेनू अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू मैं तेरा क्या करूं, मैं तुझसे बहुत परेशान हूं, तू ये गन्ना चूसने की आदत छोड़ेगी या नहीं। क्या करूं, ओ माँ जी मैं तो आदत से मजबूर हूं। उसकी ये बात सुनकर रेनू बाहर जाती है और गन्ने का रस निकालने वाली मशीन को अपने घर ले आती है। बहू आज के बाद तो इस मशीन से गन्ने का रस निकालेगी और पिएगी, यूं इस तरह गन्ने नहीं चूसेगी, क्योंकि अब मैं तेरी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब क्या था, कविता उस मशीन से गन्ने का रस निकालती और पी लेती। इस तरह अब उसके गन्ने चूसने की आदत भी छूट जाती है और उसको गन्ने का रस भी मिलता रहता है। तो वहीं अब रेनू की परेशानी भी खत्म होती है।